आगामी अक्टूबर से शुरू हो रहे चीनी सत्र 2022-23 में चीनी का उत्पादन ज्यादा होने की उम्मीद को देखते हुए चीनी मिलों ने केंद्र से मांग की है कि सरकार को अपने निर्यात नीति पर फिर से विचार करना चाहिए और खुले सामान्य लाइसेंस के तहत करीब 80 लाख टन चीनी निर्यात को अनुमति देनी चाहिए, जिससे घरेलू बाजार की स्थिति में स्थिरता बनी रह सके। सूत्रों ने कहा है कि सरकार को कुछ दिन पहले लिखे पत्र में इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी कि इस्मा ने कहा है कि 2022-23 में गन्ने का रकबा चालू साल की तुलना में 2% ज्यादा रहने की संभावना है। एसोसिएशन ने कहा है कि बारिश सामान्य रहने के अनुमान को देखते हुए अगर एथेनॉल में इस्तेमाल की गणना ना करें तो घरेलू चीनी का उत्पादन 394 लाख टन रहने की संभावना है। चालू साल में ये 34 लाख टन इस्तेमाल एथेनॉल में हुआ है, जबकि चीनी उत्पादन बढ़कर 360 लाख टन हो गया है। इस्मा ने पत्र में कहा है, बहरहाल ऐसा लगता है कि चीनी का अगले साल उत्पादन ज़्यादा रहने की संभावना है। भले ही बड़ी मात्रा में चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया जाए और निर्यात के लिए पर्याप्त चीनी मौजूद होगी, वहीं चीनी मिलों ने कहा है कि ये उचित वक्त है जब OGL के तहत चीनी के निर्यात की घोषणा की जाए, क्योंकि इस समय वैश्विक दाम ज़्यादा हैं और इस समय घोषणा की जाने से अच्छे दाम पर भविष्य के लिए सौदे करने में मदद मिलेगी और मिल्स इसके लिए पहले से योजना बना सकेंगे। वहीं मिल्स ने कहा, इससे सभी चीनी मिलों को निर्यात में हिस्सेदारी करने के लिए साफ सुथरा और समान मौका मिलेगा, साथ ही मिलों को भरोसा होगा और घरेलू बाजार की स्थिति में स्थिरता बनाए रखना संभव हो सकेगा और स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता होगी। वहीं चालू सत्र 2021-22 में केंद्र सरकार ने पिछले महीने 6 साल में पहली बार चीनी निर्यात की सीमा 100 लाख टन कर दी थी, जिससे स्टॉक में कमी और घरेलू बाजार में दाम को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।